तो दोस्तों यहाँ पर है हमारे पास मेडिकल ग्लव्स और आज इसके अंदर पानी भर के देखते हैं कि कितना पानी भरा जाएगा, उसकी कंडीशन अलग होंगी और तरीका अलग होगा। तो वीडियो काफी मजेदार होने, वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी कर देना। तो दोस्तों करते हैं इस काम को। इसके लिए हमारे पास है ये वाली नली और इसको लगाएंगे टूटी के अंदर। ये लगेगी यहाँ पे और यहाँ पे लगाने के बाद इसको चलाया जाएगा और ये ग्लव्स को लगाया जाएगा इसके मुखड़े पर। तो इसको ऐसे लगा दिया जाएगा और पानी इसके अंदर आएगा और ये भरना स्टार्ट होगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है और इसको देखना एक अलग से सेटिस्फाइंग बात होगी। और जब ये भर के फूटेगा वो चीज देखना भी बड़ी सेटिस्फाइंग बात होगी। और तरीका अलग कैसे है वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि यहां पर हम इसको ज्यादा प्रेशर झेलने नहीं देंगे, यानी कि ना तो इसको उठाएंगे ना कुछ, ऐसे ही इसके अंदर पानी भरता रहेगा धीरे 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 और देखते हैं कितना बड़ा हो पाता है। तो अभी धीरे धीरे इसका साइज बढ़ रहा है और ना कुछ टेम्परेचर, इसका भी टेम्परेचर नॉर्मल है और यहाँ पे जो पानी है उसका भी टेम्परेचर नॉर्मल है। तो ये हीट के कारण भी नहीं फटेगा, क्योंकि ये उंगलियां है ना, ये उंगलियों के अंदर कितना पानी आएगा ये देखने वाली बात होगी। तो वेट करते हैं इसके भरने का। कैमरामैन को नजदीक से दिखाने के लिए बोलूंगा, यहाँ पे साइज काफी ज्यादा बढ़ रहा है इसका। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये अंगूठा है और ये चार उंगलियां हैं। अभी तो जो हथेली का पोर्शन है उसी के अंदर पानी को फिल किया गया है और यहां से कोई लीकेज नहीं है, थोड़ी बहुत लीकेज है वो कोई मायने नहीं रखती। अब देखते हैं इसका क्या होता है, क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि यहां पर जो पानी है वो काफी धीरे धीरे आ रहा है हमारे पास टंकी से होते हुए और ये काफी बड़ी होने वाली है। बारिश आने के कारण कैमरा एंगल चेंज कर दिया गया है, लेकिन देखते हैं अगर बारिश ना आए तो इसको कम्प्लीटली कर देते हैं, क्योंकि ये अलग से मजेदार चीज होगी जब इसके अंदर से ये फटेगा। तो देखते हैं किस तरह का नजारा क्रिएट होता है। तो यहाँ पे बारिश की वजह से हम इसको यहीं पे बांध रहे हैं कर्रा वाला, करो से बांध। तो इसको बांध दे। ओहो शेट दोस्तों, बीच में ही ये जो हमारा बांधते समय समय ही ये फूट गया। अब उसका कोई दिक्कत नहीं, जो हुआ था वो आप लोगों ने देखा, कैमरे का फोकस भी इसी के ऊपर था। तो दोस्तों बारिश आ गई और बारिश के कारण हम लोग उसको बीच में बांध रहे थे, यानी कि बांध के बाहर छोड़ देंगे और दूर से शूट करते रहेंगे। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था कि वो जो बांधने के कारण लगा लो या फिर उसकी जो कैपेसिटी थी वो खत्म हो गई थी पानी स्टोर करने की, तो उस वजह से वो फट गया था। यही नजारा था जो आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाना चाहते थे। जैसा भी लगा कमेंट सेक्शन बता देना। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। मिलते हैं किसी ऐसी एक नौकी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।